द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट के 2 दिवसीय एक्सपो की शुरुआत दिल्ली के रेल म्यूजियम में गुरुवार से शुरू हो गई, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी समेत रेलवे के कई और सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की। इस एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन CILT ने एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के साथ मिलकर किया। इस एक्सपो के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने देश में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर उठाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। खासकर रेलवे में लॉजिस्टिक्स को लेकर उठाए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने तारीफ की। He's so active that he doesn't look like he's retired. And he is working on this very interesting organization, which is a professional body dealing with logistic transport. And I think this is one area in which, in the years to come, we are going to need many, many more professionals. My other colleague is here, I think he's going to speak, Mr. Anand Swaroop. And we'll tell you about the plans of the ministry to deal with logistics in a very integrated manner. So I'm happy that my other friend, Mr. Lohani, just said, pinned to you about the railways issues. I'm sure Mr. Kadir will tell you about the issues which are dealing with Bangladesh. In fact, I was in Bangladesh recently and we discussed. इस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने भी रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, रेल ट्रैकों के इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में रेलवे के इन योजनाओं से रेलवे को काफी फायदा होगा। We have to double almost all our track. We have to build third line, fourth line, separate corridors for freight. Basically, we will have to build infrastructure at a pace faster than the demand. In the last 3 to 4 years, if you look at the pace of infrastructure building, in the year 16-17, इस एक्सपो का मकसद लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की चुनौतियां और उनके समाधान पर चर्चा करना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश में अभी काफी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स पोर्टल भी विकसित किया है। 2022 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को 14% से घटाकर 10% तक करना है। वहीं जब हमने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सचान से बात की तो उन्होंने बताया कि ये 2 दिन का एक सेमिनार है जो CILT है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को डील करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार है क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वर्ल्ड स्टैंडर्ड जर्मनी और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 8% होता है GDP का, बट हमारे देश में जो खर्चा होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी इनएफिशिएंसीज ऑन द पार्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट इट इज़ ऑलमोस्ट 14%, जो कि डबल है। और उससे हमें करीब करीब हम हर साल 46 US billion का हमें नुकसान होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है इसमें ये सब चर्चा होगी, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, किस तरह से हम लोग इसको जो है जो इनएफिशिएंसी है उसको हम लोग ठीक करें। और इसमें एक रेलवे अहम भूमिका अदा करता है। रेलवे एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से एक बहुत बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि 3300 किलोमीटर लंबा नई रेलवे लाइन होगी जो डेडिकेटेड होगी फ्रेट कॉरिडोर के लिए। एक वेस्टर्न कॉरिडोर है जो कि दादरी से लेके JNPT बॉम्बे तक है, दिल्ली से बॉम्बे आप कह सकते हैं, और दूसरा जलंधर से लेके और सोननगर तक है, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। तो ये जो 2 कॉरिडोर हैं हम लोगों ने प्लान किया है कि मार्च 2020 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस साल ही हम लोग
करीब 780 किलोमीटर का ट्रैक दोनों में खोलने वाले हैं। और जब ये कॉरिडोर्स खुल जाएंगे तो जितना गुड्स का ट्रैफिक है वो इन कॉरिडोर में चला जाएगा, और उसके जाने से जो हमारा मिक्स ट्रैफिक की वजह से हमारी स्पीड कम होती है, पंक्चुअलिटी का नुकसान होता है पैसेंजर ट्रेन का, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, तो पैसेंजर सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा इसमें। थैंक यू जी, थैंक यू। बता दिया ऑलमोस्ट। 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उद्योग में भारत की प्रमुख रसद और परिवहन उद्योग में उपलब्ध कई विकास अवसरों के कारण CILT इंडिया एक्सपो 2018 देश में महत्वपूर्ण घटना बनने जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में आसान व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल को भी विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत GDP की 14% उच्च रसद लागत को 2022 तक के लिए 10% कर दी गई है। Contributes to a large percentage of the economy. तो GDP की बात आ जाती है। How much in India? हम लोग कहते हैं 11-13% GDP हमारे देश में लॉजिस्टिक्स से आता है। दूसरे तरफ से द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एंड ह्यूमंस कॉस्ट बहुत ऊंचा है। अब एक तो आप देख लीजिए कि GDP की इम्पोर्टेंस है इसमें, और दूसरा खर्चा बहुत है। तो इफ़ यू कैन डिक्रीज द कॉस्ट, इकोनॉमी विल इम्प्रूव मोर। सो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न डे लॉजिस्टिक्स, CILT प्रोफेशनल्स हैं, 4,000-4,500 लोग हैं हमारे देश में जो सिल्ट के मेंबर्स हैं, इनका एक मकसद ये है कि इसके बारे में चर्चा करें। गौरतलब है कि 2 दिवसीय CILT इंडिया एक्सपो 2018 खाद्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, गोदामों की सुविधा, ठंडे भंडार, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो और सभी माल ढुलाई समेत सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए महान अवसर उपलब्ध कराने की सुविधा के साथ उपस्थित होगा। BD फिल्म्स के लिए नई दिल्ली से राहुल रजक की रिपोर्ट।